नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज हम आए हैं एक प्राचीन मंदिर में। महादेव का प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर का नाम है शुद्धलेश्वर महादेव मंदिर। और ये शुद्धलेश्वर महादेव मंदिर है गुंडे गांव में। गुंडे गांव से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ये गुंडेवाड़ी एक गांव, छोटा सा गांव है, वहाँ पे ये लोकेशन है। दोस्तों ये लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी रिमोट लोकेशन है और रोड यहाँ पे अच्छी है, आप आराम से इधर आ सकते हो। जैसा कि आप सामने देख रहे हो ये मंदिर का एंट्रेंस है और ये ज़मीन के काफ़ी थोड़ी नीचे गहराई में ये मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर हेमाडपंथी स्टाइल में बना हुआ है और इन्होंने चटक पेंट से इन्होंने कलर भी किया हुआ है। आप पिलर्स देख रहे होगा कि किस प्रकार से ये पूरे सिंगल स्टोन में इन्होंने पिलर्स बनाए हुए हैं। इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है पिलर्स में दोस्तों, सारे पिलर्स जो हैं सिंगल स्टोन के बने हुए हैं। और ये ब्लैक स्टोन की बाहर नंदी की मूर्ति है। चौखट आप देख रहे हो, थोड़ी नक्काशी भी की हुई है, साथ साथ में ब्लैक स्टोन की बीडिंग भी है। और ये शुद्धलेश्वर महादेव की पिंडी, ये जो शुद्धलेश्वर महादेव मंदिर है करीब 500 से साल से ज़्यादा पुराना है। साथ में कुछ और अन्य प्राचीन मूर्तियां भी सामने आपको दिख रही हैं। और ऊपर से आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो वो भी सिंगल स्टोन में ऐसे आड़ तिरछा लगा के इन्होंने ब्रिक्स टाइप में पूरा वर्क किया हुआ है, जिसको गुंबद हम लोग बोलते हैं। और अंदर से काफ़ी ये चिल्ड है दोस्तों, गर्मी में यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती इस प्रकार के प्राचीन जगहों में। और ये बाहर का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पीछे एक वाटरफॉल भी है और छोटे छोटे 2-3 मंदिर बैक साइड में और हैं। अभी यहाँ पे बारिश नहीं है इसलिए यहाँ पे पानी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे वाटरफॉल का भी काफ़ी लोग आते हैं, वाटरफॉल में बच्चे नहाते भी हैं इधर। तो ये था शुद्धलेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।